अपने आप को शाबाशी भी दें और अपनी कमियां निकालकर अपनी कमजोरियों को भी दूर करने के लिए तैयार हों। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है। हर बड़े आदमी के अंदर ये बात होती जरूर है, वो अपने लिए समय निकालता है। मूर्ख आदमी बिना सोचे समझे दौड़ता रहता है। इसलिए कहा जाता है एक वे लोग हैं जो काम करने से पहले सोचते हैं और एक वे हैं जो काम हो जाने के बाद सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। जो पहले योजना बनाकर अपने कार्यों को किया करते हैं वही सफल लोग कहलाते हैं, और जो बिना किसी योजना के अंधाधुंध ढंग से कुछ भी काम करते हैं और बाद में सोचने बैठ जाते हैं वही दुनिया में मूर्ख कहलाते हैं। अगर बुद्धि भगवान ने आपको दी है तो आपको समय निकालना चाहिए, जो भी करना है, जैसे करना है, जिस तरह करना है, उसकी एक कार्य योजना बनाएं और अपनी कार्य योजना पर भी दो चार बार अच्छे ठंडे दिमाग से सोचना जरूर चाहिए। और ये भी समझ लें, अगर आज मंगल ग्रह तक मनुष्य पहुंचा है, चंद्रमा तक यात्रा पहले हुई, शुक्र ग्रह की खोज के साथ साथ वहां तक भी पहुंचा जा रहा है, अभी सूरज के बारे में भी जानकारी लेने के लिए यान छोड़ दिया गया, फोटो वहां से आ रही हैं, सूर्य की गैसेज के बारे में जानकारी मिल रही है। ये एक दिन का कार्य नहीं होता, मतलब असंभव को जो संभव किया जा रहा है दुनिया में इंसान ने अपनी बुद्धि से किया है। मैं ये निवेदन करूंगा आपके पास भगवान की दीवी बुद्धि बहुत जबरदस्त चीज है। आपकी बुद्धि वो नहीं है जो जानवरों की बुद्धि होती है, जैसे बंदर पकड़ने वाले लोग बंदरों को पकड़ते हैं, छोटे मुंह का एक बर्तन रखते हैं, उसमें मूंगफलियां चने डाल देते हैं, थोड़ा गुड़ बाहर लगा देते हैं और उस बर्तन को जो है बांध देते हैं पेड़ के साथ। बंदर आएगा उसमें हाथ तो डाल लेता है, हाथ डाल के जैसे मुट्ठी में वो चने मूंगफली पकड़ेगा और बाहर निकालेगा हाथ, वो फंस जाएगा हाथ। अब उसको ये अकल नहीं है कि अपनी मुट्ठी खोलो, चने छोड़ो और बच के भागो, वो फंसा रहता है, चीखता रहेगा, मुट्ठी उसने नहीं खोलनी है और इंसान ने जाके उसे पकड़ना है। इंसान जैसी शक्ल वाला, इंसान जैसे चलने वाला बंदर है, बुद्धि तो नहीं है। इंसान की तरफ चलने वाला रीछ भालू है। बड़ा मजा लेते हैं किसान लोग, जिनके खेतों में भालू आते हैं ना, मक्का के खेत में आ गए। अब किसान ने 6 डंडे रखे हुए अपने पास, पहला डंडा फेंकेगा भालू पकड़ लेगा उसको, दूसरा डंडा फेंकेंगे दूसरे हाथ में पकड़ लेगा, तीसरा डंडा फेंकेंगे बगल में दबाएगा वो, चौथा डंडा फेंकेंगे उसको दूसरी बगल में दबाएगा, अब उसके बाद पांचवा डंडा फेंकेंगे मुंह में पकड़ लेगा, अब छठा डंडा किसान के काम का, वो पास पहुंच जाएगा, उसको पता है इसने डंडा फेंकना है, डंडे से खूब पीटता पीटता भगाता है बाहर तक। उसको इतनी अकल नहीं है डंडा फेंको और इसको जो तुझे पीटने आया उसे छोड़ दे, वो मुंह में पकड़े रहेगा और पीटता रहेगा। अगर हम पशु तल पर जी रहे हैं तो ऐसे कोई ना कोई हमें पीटता रहेगा, और अगर हम इससे ऊपर उठकर मनुष्य तल पर हैं तो फिर दुनिया में हमें कोई नहीं पीट सकेगा, फिर हम और ऊपर उठेंगे, और अगर इससे भी ऊपर उठ गए तो फिर हम दूर दृष्टि वाले इंसान बनेंगे, बहुत दूर तक देख सकेंगे, आने वाले समय के पार देख सकेंगे, और अगर उससे भी ऊपर उठ गए तो हम लोक और परलोक के आर पार देख सकेंगे, लोक भी सुधार लेंगे अपना और परलोक भी सुधार लेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि सफलता के लिए जरूरी है कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करके अपने मन को धैर्य के साथ वश में करें और अपनी जीवन शैली को संभालें। उस जीवन शैली में जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आत्म सुधार करने के लिए एकांत में समय निकालना शुरू करें। और अगली बात, अपनी नाकामियों की समीक्षा करें, अपनी सफलताओं के बारे में जो पिछले दिनों हुई हो वो कौन से गुण थे आपके जिनके कारण आप आगे बढ़े थे उनको बढ़ाना शुरू कर दीजिए, जिनके कारण आप पीछे जा रहे थे उनको हटाना शुरू कर दीजिए, आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान देना इस पे। और उससे भी अगली बात, जिस पर आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है, अपना आत्मविश्वास,
कभी भी टूटने मत देना। ये आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत है आपकी। जिसके पास ये है वो बीमारी को भी जीत लेगा, विपरीत परिस्थितियों को भी जीत लेगा। और ये होता कैसे है, एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, अच्छा लगेगा आपको। एक व्यक्ति हॉलैंड से इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए गया और अपने सारे जहाज वगैरह पानी के लेकर के, जैसे वो समुद्र का किनारा इधर टेम्स नदी, तो ये जैसे अपने जंगी जहाज लेकर के, वो पानी के जहाज लेके चले, किनारे पर पहुंचे थे, सबसे आगे कैप्टन को उतर के जाना था। अब कैप्टन जैसे उतर कर चला, वो जो सेनापति था, तो उतरकर जमीन पर पांव रखा था, लड़खड़ाया और ऐसे गिरा कि दोनों हाथ जमीन पर, घुटने जमीन पर, अब माथा भी जमीन पर लगा जाकर। पीछे पीछे सेना उतर रही थी, सबके मन में भावना आ गई कि जीतना बहुत मुश्किल है, शकुन ही खराब हो गया। अब शकुन हुआ, जहां सेनापति आते गिर गया हो वहां कैसे जीतेंगे। ये इतिहास की सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। इसने भी समझ लिया सेनापति ने कि मेरी फौज में गलत विश्वास बैठ गया है कि यहां जीतना मुश्किल है। इसने पूरी फौज को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनमें जो मेन मेन कमांडर थे उनको आगे बुलाया और कहा तोपें लगाओ, उसमें बारूद भरो और जिन जहाजों पर हम चार पर चढ़ के आए इनको उड़ा दो। अब जहाज जला दिए गए। फौज बोली वापिस कैसे जाएंगे, जिन पर बैठ के आए थे आपने तो वही उड़ा दिए। अब इसने संबोधन दिया। संबोधन देते हुए इसने कहा कि भाइयों, तुमने देखा अभी क्या हुआ था, जब मैं आया तुमने मुझे गिरते हुए देखा। तो सबने कहा हाँ जी देखा हमने। बोले वो भगवान की कारीगरी थी, उसने आते ही ये जमीन मेरे हाथ में पकड़ा दी और ये कहा संभाल, ये जमीन तेरी है और माथा टेक इस जमीन पर क्योंकि ये तुझे दी गई है। अब हम जीतेंगे जरूर। और जिनका मन कमजोर है वो भी सुन लें कि जंगी जहाज जला दिए गए हैं, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, इस जगह को काबू करना ही होगा। अब जो कमजोर दिल के थे उन्होंने सोच लिया लड़के भी मरना है और वैसे भी मरना है, तो इसका मतलब है जीत के ही जीतना ही चाहिए। और वो युद्ध उन्होंने जीता। अब यहां बात सोचने वाली है कि जिनके मन में ये बात आ गई थी कि हम तो यहां जीतने वाले नहीं क्योंकि हमारा तो सेनापति गिर गया, और सेनापति ने जैसे विश्वास दिला दिया कि भगवान ने ये कारीगरी कर दी कि आते ही इस जमीन पर मेरे घुटने भी टिकवाए और हाथ टिकवाया और माथा टिकवा के कहा कि तुम्हें दी जा रही है जगह, कब्जा करो, स्थिति बदल दी। आपके घरों में रोज यही होता है, कुछ लोग शकुन की बात करते हैं, कुछ अपशकुन की बात करते हैं, कोई कहते हैं ग्रह ठीक नहीं है, कोई कहता वातावरण ठीक नहीं है, कोई कहते हैं इसने छींक दिया, कोई कहता बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कोई कहते हैं हमारा तो वक्त ठीक नहीं चल रहा, कोई कहता ये चीजें चल रही हैं। अगर आप उन सब पर विश्वास करोगे तो आपका भाग्य सौभाग्य में बदलेगा ही नहीं। और जब आप ये विश्वास करोगे कि हमारे साथ परमात्मा भगवान का नाम जपने वाले लोग हैं, ये सारे अपशकुन दूसरे लोगों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। जिस पर कृपा राम की है उसे किससे डरना।
जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है उससे कोई भी अपशकुन कुछ नहीं कर सकता। तो आपके विचार बदलते ही आपकी स्थितियां बदलती हैं। तो यहां ये समझाया गया, आप उतने ही बड़े हैं जितना बड़ा आपका विश्वास है। अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी टूटने मत दो, कि ये आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात आगे कही है, सोच को नियंत्रित करना सीख जाओ। दिमाग में तरह तरह की भावनाएं आती है ना, उन पर कैसे काबू पा करके आप अपने को संभाल सकते हैं, अगर ये कंट्रोल आपको आ गया, बस बड़प्पन यहां से शुरू होता है। क्या करना है, निराशा की बातें आ रही हैं मन में, जल्दी काबू पाओ। किसी के भड़काने से आप भड़कने लग रहे हैं, तुरंत काबू पाओ। गुस्सा कोई दिला रहा आपको, गुस्सा आने लग रहा है, तुरंत काबू पाइए। कोई आपके अंदर हवा भरने की कोशिश कर रहा है, पंपिंग करने में लगा हुआ है, आपको ठगने के लिए लोग करते हैं ना, तारीफ करने लग जाते हैं, तुरंत काबू पाकर अपनी वास्तविकता पर स्थिर रहिए। अगर अपने को संभालना आ गया तो फिर दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर आप सबसे शक्तिशाली हैं। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे मन को संभालना सीखो, और हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस जारी रही तो चमत्कार होगा ही होगा, नहीं तो फिर वही बात है कि किसी एक जगह एक गुरुजी और उनके साथ उनके चार चेले भ्रमण करते जा रहे थे, ऐसे सूखे प्रदेश में पहुंच गए जहां पर हरियाली कम थी। चेलों ने कहा, गुरुजी आज गांव में ऐसी जगह लेकर जाओ ना जहां हमें खीर और मालपुए खाने को मिल जाए। गुरुजी ने कहा, बेटा उसके लिए चमत्कार करना पड़ेगा, और चमत्कार करने का मतलब है कि वो हमारे ऊपर भी भारी पड़ सकता है। नहीं, इतने दिन हो गए सूखी रोटी खाते हुए, अब तो कुछ मालपुए हो जाए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, गांव में विज्ञापन कर दो कि हिमालय से गुरुजी आए हैं, चमत्कार कर सकते हैं। तो लोगों ने पूछा, क्या कर सकते हैं, बारिश करा सकते हैं? बोले, हाँ बारिश करा सकते हैं। अब चेलों ने आके कहा, गुरुजी आपके बारे में हमने ये बता दिया कि आप बारिश भी कर सकते हैं, और यहाँ तो लुएं चल रही हैं महाराज, बारिश वारिश की संभावना है नहीं, हमने तो बोल दिया अब संभालना आपका काम है, मालपुए तो मिल जाएंगे, खीर वीर खाने को मिल जाएगी। गुरुजी बोले, तो खीर वीर खा के रात में दौड़ चलते हैं, तो चमत्कार तो अपने बस का है नहीं। अब जिसने वो खीर खिलाई, मालपुए खिलाए, उसने ये कहा था, महाराज बारिश हो जाएगी? बोले, हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? सारे गांव में होगी क्या? बोले, सारे गांव का ठेका नहीं ले रखा, तुम्हारे खेतों में बारिश हो जाएगी, बाकी के जगह नहीं होगी। अब उसने भी सोच लिया, चलो मेरे खेतों में ही बारिश होगी। लेकिन वो भी एक गांव का ऐसा कमाल का चौधरी था, उसने इनको जहां सुलाया कमरे में, दरवाजे के सामने अपने खाट बिछा के लाठी लेके सो गया, और सो गया तो इस भावना के साथ कि कोई उठ के भाग ना सके और चमत्कार भी पूरा हो जाए। अब ये गुरु चेले आपस में बैठ के बात करने लगे, बोले, भागने का तो मौका है नहीं। तो गुरु ने कहा, बेटा फिर एक काम करो, इससे पूछो इसके खेत कहाँ है, और तुम लोग चलो वहां और पास के किसी भी तालाब से घड़े वड़े भर के पानी छिड़कने का काम करो सारी रात, जितनी बारिश कर सकते हो उतनी तो करो। अब चेले बाहर निकलने लगे, चौधरी बोला, लाठी लेकर के जाने नहीं दूंगा कहीं भी। चेलों ने कहा कि देखिए, आपके खेत में जाके हमने वहां मंत्र पढ़ने हैं जिससे बारिश हो सके, क्योंकि मालपुए तो आपने खिलाए हैं, दक्षिणा भी आपने दी है, तो जिसने सेवा की है उसी के खेत में तो बारिश होगी ना, तो हम वहीं जाके मंत्र पढ़ेंगे। बोले, फिर गुरुजी को यहीं रहने दो, गुरुजी नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम वहां जाके भाग गए तो
अब इनको लगा ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई, यहाँ से तो बच के भी नहीं जा सकते। गुरुजी अंदर रहे और गुरुजी ने भी इशारा कर दिया, बेटा मेरा ध्यान रखना, मैं भी यहीं हूँ। अब चेलों ने जाकर सारी रात तालाब से घड़े भरे और खेत में छिड़काव करते रहे। सवेरा हुआ, गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा बारिश तो हुई नहीं। ये चौधरी भी उठ के आया, इसने कहा कि बारिश तो हुई नहीं। बोले अपना खेत देख, देखो ना जा करके, हमने सारे गांव का ठेका नहीं लिया हुआ, तुम्हारे खेतों में बारिश हो गई, जाके देखो। अब वहां जाके देखा तो वहां तो पानी छिड़का हुआ था पूरे में, पूरे गांव के अंदर जो है खूब जय जयकार होनी शुरू हो गई, लंबी लाइन लग गई। कोई कहता गुरुजी आज भोजन हमारे यहाँ, कोई कहता हमारे यहाँ। अब चेले आकर के बोले अगली बारिश गुरुजी आपके जिम्मे है, क्योंकि हमारे तो घुटने छिल गए हैं सारी रात घड़े भर के। आप समझ सकते हैं ना कि दुनिया में कोई भी चमत्कार इस तरह का नहीं होता। धोखा देने वाले बहुत लोग दुनिया में हैं, लेकिन सब दुनिया में धोखा दे सकते हैं, वो ऊपर वाला धोखा नहीं देता। अगर भरोसा करना है तो उसका करना है, बाकी न किसी शकुन में न अपशकुन में। इन सब चीजों से ध्यान हटाइए और भगवान के नाम से अपना मन जोड़िए। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, शुद्ध जीवन शैली और दृढ़ आत्मविश्वास, आत्म सुधार के लिए समय निकालना और अपने मनोबल को मजबूत रखना। जितना जितना आपके साथ होता चला जाएगा, आपकी जिंदगी में चमत्कार घटते जाएंगे। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य सनातन सत्संग दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2023, समय 5 से 8 अक्टूबर सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 अक्टूबर प्रातः 9 से 11 बजे, स्थान श्री कृष्ण कथा स्थल श्री त्रिवटी नाथ मंदिर बरेली, आयोजक विश्व जागृति मिशन बरेली मंडल। संपर्क सूत्र, आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023, समय सायं 5 से 7 बजे, विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023, ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे, 14 अक्टूबर 2023 मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे, स्थान हुडा ग्राउंड सेक्टर 12 सेल्स टैक्स ऑफिस के पास फरीदाबाद, आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र, आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराष्ट्र के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे, विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।